हमारे पास आपको बैटरी से रिलेटेड हर वो सॉल्यूशन मिलेगा जो आप मार्केट में तलाशते हैं। सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ये बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है बैटरी का, जिसमें वो OEM करवाना चाहते हैं आपसे, मतलब अपने ब्रांड नेम से बैटरी बनवाना चाहते हैं, तो कुछ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है? हमसे माल ले रहे हैं वो हमारे कस्टमर, चाहे वो अपने ब्रांड में लेते हैं या अपने ब्रांड में लेते हैं, इट हार्डली मैटर्स। हमसे वो ले रहे हैं वो हमारे लिए कस्टमर हैं, उनको अपने जो भी हमसे हेल्प चाहिएगी कि किस तरह से इसको परस्यू किया जाए, क्या इसकी USP बताया जाए, किस तरह से सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इसमें सर्विस सबसे मेन पार्ट है। हमसे जितना वो हेल्प चाहिएगा किसी भी व्यक्ति को, अगर वो हमसे OEM कराता है, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट दैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। दोस्तों, आपने बोट ईयरफोन्स ब्रांड का नाम तो सुना होगा, जो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट ईयरफोन्स ब्रांड बन चुका है। ये रिसेंटली न्यूज़ सुनने में आई थी, लेकिन एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, बोट ने आज तक इनहाउस एक भी ईयरफोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करा है। तो आपको ये बात पता थी? नहीं पता थी तो मैंने अब आपको बता दी। और बिना एक भी ईयरफोन्स मैन्युफैक्चर करे ये जो ब्रांड है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है। तो ये प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि यहाँ पर एक कंपनी होती है जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और दूसरी कंपनी सिर्फ अपने ब्रांड नेम से उस पूरे प्रोडक्ट को मार्केट करती है, उसको सेल करती है, और उतने में आप अपना बिजनेस कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक स्टोरी हम समझेंगे बिंदल बैटरीज की, जो इन हाउस बैटरीज बनाते हैं अपने लिए भी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं ये, दूसरे ब्रांड्स के लिए भी ये बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विपुल गुप्ता जी, बिंदल पावर टेक से। तो सर, सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सर, एंड प्लीज़ अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, देखिए हमारा जो ब्रांड है ये करीबन 48 साल पुराना ब्रांड है, और हम अपने विश्वास, अपने ट्रस्ट और अपनी सर्विस के बलबूते पे ही आज तक इस मार्केट में टिके हुए हैं। अब जो आपने मेरे से पूछा कि हम किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमारे पास बैटरी से रिलेटेड आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, चाहे वो ऑटोमोटिव बैटरीज हो, चाहे ट्यूबलर बैटरीज हो, चाहे सोलर के लिए हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल बैटरीज लाइक 2 वोल्ट के सेल्स हो। उसके अलावा भी हमने अभी रिसेंटली अपना लिथियम का भी प्लांट चालू किया है, जिसमें हम लिथियम में हर तरीके के बैटरी पैक्स को असेंबल कर रहे हैं, चाहे वो सोलर के लिए हो, चाहे वो आपके ESS सिस्टम के लिए हो, जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए हो। तो हमारे पास आपको बैटरी से रिलेटेड हर वो सॉल्यूशन मिलेगा जो आप मार्केट में तलाशते हैं। विपुल सर, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है, जैसे OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो आप ये सारे जो बैटरी का आपने बताया, बैटरी को बनाने में जो जो कंपोनेंट्स का यूज़ होता है उनके बारे में आप थोड़ा बताइए, आप वो कहां से लेते हैं या फिर आप खुद बनाते हैं? देखिए ऐसा है सर, हमारे ग्रुप के अंदर हम लगभग बैटरी से रिलेटेड सारे कंपोनेंट खुद ही बनाते हैं, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे बैटरी में यूज़ होने वाला लेड हो, या वो ऑक्साइड हो, ये सारा हमारा इनहाउस प्रोडक्शन है। इसी के चलते ही आज हम मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी दे पा रहे हैं, और ट्रस्ट भी लोगों का इसीलिए है क्योंकि हमारे पास क्वालिटी से लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि हमारा सारा इनहाउस है। मतलब यू कैन से वन स्टॉप शॉप है हमारा बिंदल ब्रांड फॉर बैटरीज एंड फॉर बैटरी रॉ मटेरियल। तो विपुल सर, ये आपके प्लांट में हम खड़े हैं इस वक्त, आप मुझे इस प्लांट की एक कैपेसिटी बताइए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। बिल्कुल सर। और जो आप बैटरीज बनाते हैं इनके कुछ क्वालिटी टेस्ट के बारे में बताइए जो आप लोग कंडक्ट करते हैं। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 500 बैटरीज पर डे, एंड इन अनदर 3 मंथ्स वी आर गोइंग अप टू 800 बैटरीज पर डे। मैंने आपको बताया कि हमारा टोटल प्रोडक्ट, देखिए बैटरी के अंदर एक मेन प्रोडक्ट है लेड, वो हमारा इन हाउस है। तो आप इस तरीके से समझें कि हमारे पास आने वाला रॉ मटेरियल भी ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है, ऑलरेडी चेक्ड है, स्पेक्ट्रो पे सब कुछ चेक रिपोर्ट्स आती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जब ये असेंबली चलती है उस पर भी हमारे पास वेरियस चेक पॉइंट्स हैं। हम अपनी बैटरी को हर लेवल पे, चाहे वो इनिशियल लेवल हो जहाँ पर हमने बैटरी असेंबली करनी है, या फाइनल लेवल हो जहाँ पर लोड टेस्टिंग करके देखनी है, सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विपुल सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इनके पूरे प्लांट का कवर कर सकें कि किस तरीके से ये बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो पूरी चीज़ हमने कवर करी है, और मैं एक नई वीडियो उसके ऊपर लाने वाला हूं। तो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देख लीजिएगा, आप वो पूरा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देख सकते हैं बिंदल पावर टेक का। इसके बाद विपुल सर, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप OEM हैं, यानी कि आप दूसरे ब्रांड्स के लिए बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ऐसे कितने ब्रांड्स हैं इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के मैं कहूं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारे ब्रांड्स आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई तो आपके अंदर खास पॉइंट होगा? देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा जो USP है, बेसिकली हमारा USP है कि हम लोग के पास सारा रॉ मटेरियल हम लोग खुद ही इन हाउस बनाते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग, क्योंकि सबसे मेन है रॉ मटेरियल अगर आप खुद इन हाउस है आपका, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, आपके पास एक क्वालिटी मेंटेन है,
जिसके चलते आज हम 48 ईयर्स से हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। वो इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज वी हैव द परफेक्ट क्वालिटी प्रोसीजर्स दैट मेक अस अ परफेक्ट ब्रांड। और सर मेन क्वेश्चन अभी भी रह गया, कितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, मैं ब्रांड्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता एज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट पॉलिसी। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ आपसे कि हम प्रेजेंटली, अगर आप नेशनल की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग अराउंड वी आर डीलिंग विद 7 to 8 बिग ब्रांड्स, एंड इन इंटरनेशनली वी आर डीलिंग विद अराउंड 5 to 6 ब्रांड्स। तो दिस इज़ ऑल द मेन वी आर डीलिंग विद द OEMs। और ऐसा भी हुआ है कि ये ब्रांड्स आपके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? हमारे साथ जितने OEM जुड़े हुए हैं वो लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, एंड दे डू बिजनेस रेगुलरली। तो विपुल सर, एक चीज़ और बताइए, अभी हमने आपसे देख लिया कि आप बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, ब्रांड्स के साथ आपका टाई अप है, आप उनके लिए बैटरीज बनाते हैं, क्या आपके खुद के ब्रांड नेम से भी बैटरी मार्केट में अवेलेबल है? हमारा ब्रांड नेम एपिक पावर के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। आप अगर दिल्ली NCR या आप पूरे UP में भी अगर करेंगे, तो वी आर डीलिंग इन द आवर ब्रांड नेम इज एपिक पावर, जिसको मार्केट में आप ये ब्रांड भी हमसे लेकर के अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप OEM ही करेंगे तो तभी हम करेंगे, आप हमारा ब्रांड जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। देखिए उसमें फ़ायदा क्या आता है, अगर आप हमारा ब्रांड लेते हैं तो आपको ऑलरेडी एक पब्लिसिटी मार्केट में है उस ब्रांड की, उस मार्केट में वो ब्रांड चल रहा है, तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस ब्रांड को बेचने के लिए। वंस यू आर गेटिंग द OEM फ्रॉम मी, अब आप अपना ब्रांड है आपका, आप उसको एस्टेब्लिश करेंगे, आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे, तो डेट विल टेक टाइम। आप मेरे ब्रांड में जाते हैं डेट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। देखिए ऐसे, अगर आप मेरे ब्रांड में काम करते हैं तो कंपनी डेफिनेटली विल सपोर्ट यू इन ब्रांडिंग, इन मार्केटिंग, इन एवरीथिंग। आप अपने OEMs में करते हैं, डेफिनेटली ऑल द जॉब इज़ योर्स, माई जॉब इज़ टू मेक गिव यू द गुड प्रोडक्ट इन योर ब्रांड, रेस्ट इज़ ऑन यू। तो विपुल सर, थैंक यू, आपने पूरा प्रोसेस समझाया, अपनी कंपनी के बारे में बताया। अब एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है बैटरी का, जिसमें वो OEM करवाना चाहते हैं आपसे, मतलब अपने ब्रांड नेम से बैटरी बनवाना चाहते हैं, तो कुछ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है? देखिए बिल्कुल रहेगा सर, देखिए मिनिमम ऑर्डर इसलिए रहेगा कि आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो आपके पास इन हैंड वो सैम्पलिंग में ही, या किसी को 5-5 बैटरीज भी अगर आप देते हैं तो आपको एक मिनिमम ऑर्डर चाहिए। अब हमारे लिए अगर आप बात करते हैं कि हमें कितना ऑर्डर वन टाइम चाहिएगा, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अराउंड 100 to 150 नंबर्स इन सिंगल शॉट, जस्ट बिकॉज कि आप अगर एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको उसके साथ उसकी पैकेजिंग, उसकी यू नो वट एवर मार्केटिंग का जो वो करके चलेंगे, वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो और उसमें फिर एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए। आपने वन टाइम मेरे से लिया, आपने इन्वेस्टमेंट करा, मैंने इन्वेस्टमेंट करा, दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो एक अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो वो दिक्कत है। तो मिनिमम ऑर्डर की अगर आप बात करें तो डेट शुड बी मिनिमम 100। और इसके अलावा ये भी सर, देखिए अगर हम किसी के साथ OEM कर रहे हैं देन डेफिनेटली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एट द डे एंड कस्टमर ही है। हमसे माल ले रहे हैं वो हमारे कस्टमर, चाहे वो अपने ब्रांड में लेते हैं या अपने ब्रांड में लेते हैं, इट हार्डली मैटर्स। हमसे वो ले रहे हैं वो हमारे लिए कस्टमर हैं, उनको अपने जो भी हमसे हेल्प चाहिएगी कि किस तरह से इसको परस्यू किया जाए, क्या इसकी USP बताया जाए, किस तरह से यू नो सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इसमें सर्विस सबसे मेन पार्ट है। हमसे जितना वो हेल्प चाहिएगा किसी भी व्यक्ति को, अगर वो हमसे OEM कराता है, डेफिनेटली वी विल सपोर्ट दैट। थैंक यू विपुल सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए, और इसमें मैं आप लोगों को, मैंने पूरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी है, जिसमें मेरा मोटिव यही था कि आपको बताऊं कि अगर आप सोच रहे हैं कोई बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेके और कस्टमर तक पूरा सामान प्रोवाइड करने का आपको देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। OEM आप करवा सकते हैं, बैटरी में अगर आप करवाना चाह रहे हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिंदल पावर टेक को, इनका एक्सपीरियंस है 48 ईयर्स का, जो ये बिल्कुल आप लोगों के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, आपको पूरी हेल्प करेंगे, सारी जानकारी हमने दी। बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं सर की वेबसाइट का एड्रेस वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए और ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और ज़रूर हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, क्वालिटी चेक्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, सारा स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।